अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसीजर है जो हमें ये बताता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज बताता है हमें बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। ये बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम ये देखेंगे कि y में कितना चेंज आया है x के लिहाज से, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है। और चेंज डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट के लिहाज से, ठीक है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि और चेंज को शो करता है डी जो है वो चेंज को शो करेगा। जब डी हम वाई के साथ लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम वाई में चेंज चेक करना चाह रहे हैं, किस के लिहाज से, एक्स के लिहाज से। एक डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज चेक करना चाह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, कि डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट के लिहाज से कितना चेंज हो रहा है, क्या रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज है 2.1। अच्छा, सबसे पहले हमने ये रेट ऑफ चेंज करना है एक प्रोसीजर के साथ जो कहलाता है बाय डेफिनेशन या फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन के तरीके से जब हम रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं तो उसका एक ख़ास तरीका होता है, उसमें चार स्टेप्स होते हैं हमारे पास, हर क्वेश्चन में वही चार स्टेप्स चलते हैं। और जब हम आम तरीके से करना शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन को, तो वो 2.3 से हमारा स्टार्ट होगा। फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस जो हैं इन पे हमने डेफिनेशन का तरीका लगाना है, और डेफिनेशन का तरीका जो है वो एक ही तरीका है, उसमें चार स्टेप हर क्वेश्चन में लगते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 देखें। एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके सामने उनका सोल्यूशन पड़ा होता है, क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको एग्जाम्पल देख के खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रोसीजर की समझ आए, फिर हम डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 है हमारे पास 2x² + 1। अच्छा जी, ये फंक्शन गिवन है हमें, हमने क्या करना है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड बिलो। यानी कि हमने एक्स के लिहाज से चेंज देखना है इस फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, हम इनमें से कुछ भी इसको लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको वाई, ठीक है। अब y में हमने चेंज यानी कि डेरिवेटिव इसका देखना है, इसमें चेंज चेक करना है इसके लिहाज से। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास बाय डेफिनेशन का जब हम प्रोसीजर लगाते हैं, बाय डेफिनेशन, तो हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन ये है कि हमने अपने गिवन फंक्शन की दोनों साइड्स पे जो जो भी वेरिएबल मौजूद हैं उनमें इंक्रीमेंट लगाना है, ठीक है। इंक्रीमेंट यानी कि हम उसमें एक स्मॉल चेंज ऐड कर देते हैं, स्मॉल चेंज जो है वो डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई कहलाता है। ये डेल्टा जो है ना ये स्मॉल चेंज को शो करता है, डी जो होता है वो ज़्यादा चेंज को शो करता है यानी कि टोटल चेंज, और डेल्टा जो होता है ये स्मॉल चेंज को शो करता है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज यानी कि हमने ऐड कर देने हैं एक्स और वाई में छोटे छोटे चेंजेस, यानी कि कोई छोटा सा नंबर, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्स हमारे पास 5 है,
ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5 में 0.0001 को, ये बहुत छोटा सा नंबर जो है डेल्टा, इतने छोटे नंबर को जो है वो शो करता है, छोटा सा चेंज कर देना है हमने उसमें, ऐड कर देना है, तो इसलिए हम इसको इंक्रीमेंट भी कह लेते हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं उसमें तो हम इसको इंक्रीमेंट लगाना बोल देते हैं। हमने दोनों साइड्स पे दोनों वेरिएबल के लिहाज से, जिस तरफ वाई है उसमें डेल्टा वाई ऐड कर देंगे, जिस तरफ एक्स है उसमें डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप वन में हमने इंक्रीमेंट लगाना है, स्मॉल चेंज ऐड करना है, y प्लस डेल्टा y, और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस डेल्टा x, x की जगह पे सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। देखें 2 एज इट इज़ आ गया, x प्लस डेल्टा x, x की जगह पे हमने x प्लस डेल्टा x लिख लिया, स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में डेल्टा वाई इसी साइड पे रहेगा, y उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड्स में से हम y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1, और ये y इधर से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, y की जगह पे जो गिवन फंक्शन में जो भी y की वैल्यू थी वो पुट कर देनी है, ठीक है। माइनस 2x² + 1, ओपन कर लें ब्रैकेट को, माइनस 2x² - 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल हो गए, इस होल स्क्वायर को ओपन करके 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2x² + 2 डेल्टा x². अच्छा, अब डेल्टा और x दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही नंबर है, तो जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो वो ऐसे ही आएगा, ये नहीं कि डेल्टा स्क्वायर x स्क्वायर, नो, दिस इज़ वन नंबर, ये एक ही हमारे पास कोई भी नंबर है, क्योंकि एक स्मॉल चेंज है ना, हमने 5 के अंदर 0.0001 इस तरह का कोई छोटा सा नंबर ऐड किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो 2 भी मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, होल स्क्वायर मैंने पहले ओपन करना है, x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x, ठीक है, तो 2 साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2x² + 2 डेल्टा x² + 4, एक फॉर्मूले वाला 2 और एक ये बाहर वाला 2, 4x डेल्टा x - 2x², ठीक है, ये कैंसिल, द रिमेनिंग वैल्यू इज 2 डेल्टा x² + 4x डेल्टा x, इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, 2 और डेल्टा x कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास रह जाएगा Δx + 2x, ठीक है। यहाँ तक स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है, स्टेप 2 में बेसिकली हम ये करते हैं कि y को दूसरी साइड पर शिफ्ट करके फिर जितनी कैंसिलेशन, जितना सॉल्यूशन आगे पॉसिबल हो सकता है, जितनी सिंप्लीफिकेशन आगे पॉसिबल हो सकती है, वो सारी हमने करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, अब थर्ड स्टेप इसमें ऐड करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3, स्टेप 3 में हमने ये करना है कि स्टेप 2 जहाँ पे कंप्लीट हुआ था उसके बाद हमने उसके दोनों साइड्स पे बोथ साइड्स डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, हमेशा यही होगा स्टेप 3, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स पे हम डेल्टा एक्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई कंटिन्यू हो रहा है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2 डेल्टा x + 2x, डेल्टा वाई 2 डेल्टा x + 2x, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स किया है ना हमने, तो बोथ साइड्स हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे इसका कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, जो स्टेप 2 हमने करना है ना, याद रखना है आपने इस चीज़ को, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है कि डेल्टा एक्स कॉमन आए, जो कि डिवाइड करने वाले डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो,
यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये जो डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन निकला था, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया, ये उधर जाके डेल्टा वाई के साथ डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स लिख लें या इसको उधर ले जाएं, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे हमने ये किया था, सबट्रैक्टिंग वाई ऑन बोथ साइड्स करें या वाई को उठा के उधर ले जाएं, एक ही बात है। इसी तरह आप इस डेल्टा एक्स को उठा के उधर ले जाके डेल्टा वाई के साथ डिवाइड करें, या डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स कर लें, इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे स्टेप टू का एंड आपके पास ऐसी वैल्यू पे होना चाहिए जहाँ पे डेल्टा एक्स लाजमी कॉमन निकलता हो, क्योंकि उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाके डेल्टा वाई से डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टेप थ्री में हमने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लिया बोथ साइड्स। डिवाइड करने के बाद स्टेप फोर हमारे पास क्या है, स्टेप फोर है हमारे पास टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लिमिट ले लें दोनों साइड्स पे। अच्छा, अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा स्मॉल चेंज को शो करता है डेल्टा। लिमिट लेने से हमें बाय डेफिनेशन ये बताया गया है कि ये टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ इसके इक्वल होती है, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमेशा डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये साइड आपकी डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल आ जाएगी। डी वाई बाय डी एक्स जो है ये चेंज शो करता है, डेरिवेटिव शो करता है y में x के रिस्पेक्ट से। तो हमें स्टेटमेंट में जिसके रिस्पेक्ट से बोला गया होगा वो वेरिएबल हमारा नीचे आएगा, क्योंकि इसके लिहाज से इसमें चेंज देख रहे हैं। ये गिवन था, y गिवन था, y में चेंज देखना था यानी डेरिवेटिव देखना था विद रिस्पेक्ट टू x, ये उन्होंने स्टेटमेंट में बता दिया था। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारी रिक्वायर्ड जो भी था वो आ गया, और राइट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स की जगह पे ज़ीरो, टू एक्स आंसर आ गया, टू एक्स। तो डेरिवेटिव हमें मिला है टू एक्स, ठीक है जी। ये है डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका बाय डेफिनेशन या फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इस प्रोसीजर की समझ आ जाए। इसके लिए देख लें, थर्ड पार्ट देखें। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है और हमने वही करना है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें चाहिए, ठीक है। सो वाई इज आर फंक्शन, y is equals to 1 over square root of x, जी स्टेप 1। ये स्टेप 1, 2, 3 ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं, इनको आपने साथ साथ लिखना नहीं है, आपको खुद से पता होना चाहिए। जब एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी स्टेप 1 कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसी तरह स्टेप 2 और 3। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने इंक्रीमेंट लगाना है, स्मॉल चेंज ऐड करना है, y वाली साइड पे y के रिस्पेक्ट्स हैं और x वाली साइड पे x के रिस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू में आप y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, डेल्टा y इधर रह जाएगा, और y की वैल्यू पुट करके इसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उतनी आपने करनी है, यहाँ तक कि डेल्टा x आपके पास कॉमन आ जाए। y की जो वैल्यू हमें गिवन थी हम वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें LCM लेना होगा, ठीक है जी।
अच्छा अब हम ये करते हैं कि इस स्क्वायर रूट को ना हमने यहाँ पे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करनी है तो इस स्क्वायर रूट को सबसे पहले हम इसकी पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 होता है ना। डिनोमिनेटर को ऐसे हम सेपरेट कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको साइड पे कर लिया। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स की हम पावर लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी भी पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये पूरा एक्सप्रेशन इसके ऊपर है, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इसके नीचे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। उससे पहले हम इसकी वो वाली फॉर्म बनाएंगे बाइनोमियल थ्योरम वाली। ठीक है, आप डिनोमिनेटर को एज इट इज़ साथ में मेंशन करते जाएंगे, फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है, अभी हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लें जी एक्स रेज पावर 1/2 माइनस, यहाँ से आपने x की पावर, x के ऊपर भी पावर 1/2 है, डेल्टा x के ऊपर भी है ना, होल पावर है, तो हमने x को पावर समेत कॉमन ले लेना है। यहाँ से x रेज पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। अब ये x क्यों यहाँ पे आया है ये आपको पता होना चाहिए, जब हम इसमें से x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे नहीं था तो डिवाइड में आ गया। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे x लाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाला उधर ही रह जाता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया होता है वो कॉमन चला जाता है। ठीक है, तो जब इसमें से x कॉमन लेंगे x और डेल्टा x किससे x कॉमन लेंगे तो x डिवाइड में आ जाएगा, तो उस x के ऊपर ज़ाहिर बात है ये पावर भी साथ जाएगी क्योंकि वो होल पे थी, तो x की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। ठीक है, अच्छा जी अब क्या होगा, अब आप इन दोनों में से भी कॉमन ले लें x की पावर 1/2, 1 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़, x की पावर 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं, उसको भी यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल पावर 1/2। ठीक है, ये चीज़ रह जाएगी। अब हमारे पास ये यहाँ पे आ गया x रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल रेज पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम बन चुका है। अब बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पे क्वेश्चन में साइड पे आपको लिख के बता देती हूँ, आइंदा से आपने उसको हमेशा ऐसे ही याद रखना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या चीज़ है, हमारे पास होता है 1 प्लस x होल पावर n। ठीक है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और इसी तरह से ये चलता चला जाता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम जैसा बना लिया, 1 प्लस x की जगह पे हमारी ये सारी वैल्यू है, n की जगह पे 1/2 है, सो हम इसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे ओपन करते जाएंगे और हम इसको ऑलमोस्ट 2 या 3 स्टेप्स तक ओपन करेंगे हमेशा। इन सारे क्वेश्चंस में हमने यही करना है, मैक्सिमम आप इसको 3 स्टेप्स तक ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा बाकी की बाहर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे, 1 माइनस, यहाँ से आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, 1 प्लस nx, 1 प्लस n की जगह पे पावर है 1/2 और x की जगह पे हमारे पास है डेल्टा x बाय x। ठीक है, तो इसको बेसिकली हमें फिर कर्ली ब्रेसेस रखना चाहिए। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी सारी वैल्यू है वो हमारा ये थ्योरम ओपन हो रहा है। अच्छा जी अब आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे, इस सारे स्टेप को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह प्रॉपर है। ठीक है, अच्छा x की पावर 1/2 डिवाइड में डिनोमिनेटर एज इट इज़,
वन माइनस, यहाँ से हमारा थ्योरम लगना शुरू हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वन प्लस एन एक्स, एन पावर है वन बाय टू, और एक्स की जगह पे हमारे पास है डेल्टा एक्स बाय एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस वन पावर इंटू पावर जो भी है उसमें से एक माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, और एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय एक्स, प्लस अप टू सो ऑन। तीन स्टेप्स तक आपने इसको ओपन कर लिया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, और अप टू सो ऑन करके आप कर्ली ब्रेस बंद करें और इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है। वन माइनस, वन माइनस, अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर साइंस चेंज हो रहे हैं, वन बाय टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस, ये वन बाय टू है, ये वन माइनस वन बाय, वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू आ जाएगा, और ये जो माइनस वन बाय टू होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, और ये वन बाय फोर, ये वन बाय फोर, इसके साथ ये वाला टू फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टू फैक्टोरियल को आप ओपन कर दें, टू ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ओपन कर दें, डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सबको ओपन कर दिया, और इस बाहर वाले माइनस की वजह से अब साइंस जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स चेंज होने थे, तो आगे वाली टर्म्स का हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तीन स्टेप्स तक हमने उसको ओपन करना था, तीन टर्म्स तक, तो थ्री टर्म्स तक हमने इसको ओपन कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक और चीज़ के ये वाला प्लस माइनस तो माइनस हुआ, और बाहर वाले माइनस की वजह से भी साइंस चेंज होने थे, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास आगे जितने भी टर्म्स आएंगे ना उन सब में डेल्टा एक्स लाजमी मौजूद होगा, तो हमने डेल्टा एक्स लेना है कॉमन, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया माइनस वन बाय टू एक्स, ठीक है, प्लस एक डेल्टा एक्स कॉमन जा चुका है, एक डेल्टा एक्स रह गया है ओवर एट एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। चलें जी, ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, हमारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका है, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इस साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई चलता हुआ आ रहा था, और ये साइड जो है ये हमारे पास है एक्स की पावर वन बाय टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर शुरू से हमारे पास चलता आ रहा है जिसको मैं एज इट इज़ का साइन लगाती जा रही थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, आपने इसको साथ साथ मेंशन करना है, और आगे हमारे पास ब्रैकेट में है माइनस वन बाय टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एट एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। ये जी यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना था ना बोथ साइड्स पे, इधर भी डिवीजन होगी ऑब्वियसली, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू वापस बच गई है, बाकी बच गई है वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये सारी वैल्यू। अब हम फोर्थ स्टेप करते हैं, एक तो साथ इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं और एक साथ लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स रेज पावर वन बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन बाय टू एक्स और प्लस
डेल्टा एक्स, 8x² अप टू सो ऑन। अब आगे जितने भी टर्म्स हैं ना उनमें डेल्टा एक्स लाजमी मौजूद होगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो वो सारी लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। इस वजह से हम शुरू से उनको नहीं लिखते आ रहे, और यही वजह थी कि मैंने आपको कहा था आपने सिर्फ 3 टर्म्स तक बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करना है, क्योंकि अगली किसी भी टर्म का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सब में डेल्टा एक्स आता है, लिमिट जब लगती है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला डेल्टा एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, द रिमेनिंग वैल्यू विल बी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे आ जाएगा एक्स रेस पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस ज़ीरो, डेल्टा एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, माइनस 1/2x ब्रैकेट में था और नेक्स्ट स्टेप में ऊपर न्यूमरेटर में ही डेल्टा एक्स था, सो ज़ीरो बाय जो भी वैल्यू होगी वो ज़ाहिर बात है सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 1/2 यानी कि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही है, ये भी कैंसिल हो चुका है और इसके बाद एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नीचे मौजूद है और साथ में ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इस एक्स की पावर 1/2 है, इस एक्स की पावर 1 है, 1/2 प्लस 1 3/2 एक्स की पावर 3/2, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो माइनस 1/2 एक्स रेस पावर 3/2, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय द मेथड ऑफ डेफिनेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो भी इसी तरह से है, बाय डेफिनेशन हमने या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं, बाय डेफिनेशन वाले प्रोसीजर को फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो हमने इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके अब सारे के सारे इसी तरीके से होंगे, मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, तकरीबन सारे क्वेश्चन के स्टेप 2 में आपका बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगा। तो आपने सबसे पहले कॉमन लेके उसको 1 करना है, जैसे हमने किया था 1 प्लस सम वैल्यू, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम यही होता है 1 प्लस एक्स होल पावर एन, फिर ही हम उसको स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। तो आपने उसको सबसे पहले 1 बनाना है, कोई भी टर्म जो भी आपके पास है कॉमन लेने वाली वो कॉमन लेके, और फिर आपने उसको सॉल्व करना, तकरीबन सारे क्वेश्चन के स्टेप 2 में वो लगेगा, यहाँ भी वो यूज़ होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन चले मैं आपको करवा देती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ज़्यादा ईजी है क्योंकि उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन यूज़ हो रही है, इस वजह से मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, जहां जहां y था y प्लस डेल्टा y हो गया और x प्लस डेल्टा x हो गया। स्टेप 2, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं x और a को पहले लिख रही हूँ, डेल्टा x को बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में हमें इस अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, माइनस y हो जाएगा ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, LCM ले लें, अच्छा अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ऑलमोस्ट 1 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आप लिखते जाएं एंड तक, और इसमें आप वही करें कि इसको पावर्स की फॉर्म में लिख लें,
एक्स प्लस ए होल पावर 1/2 कॉमन ले लें इसमें से, ये वाली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि पता चले ये डिनोमिनेटर इस सारे एक्सप्रेशन के नीचे है। इसमें से जब आप x प्लस ए पावर के साथ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 और डेल्टा x के साथ डिवाइड में आ जाएगा होल पावर 1/2। ठीक है, इन दोनों में से भी बाहर ले आए इस और इस स्टेप में से। ठीक है, साथ ब्रैकेट में यहाँ पे यहाँ से भी कॉमन चला जाएगा, यहाँ से भी कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर ही कैंसिल कर दूँ मैं सर, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बेशक आप ऐसे ही करें, x प्लस ए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये इधर ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बन चुकी है, 1 प्लस सम वैल्यू और होल पावर। तो हमने इसको बाइनोमियल के टर्म्स लगा के ओपन करना है। अच्छा जी, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रह गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। आगे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, 1 माइनस यहाँ से कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल तीन टर्म्स तक ओपन करेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन यानी कि पावर हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, एक्स यानी कि जो सेकंड टर्म है हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 पावर जो भी है माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और सेकंड वैल्यू जो थी यानी कि एक्स जो था उसका स्क्वायर। प्लस अप टू सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और स्क्वायर भी बंद। ठीक है, 1 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दें, प्लस माइनस माइनस 1/2, साथ इसके एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में आ रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 माइनस 1, ये माइनस 1/2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस 1/4 हो जाएगा, नीचे से 2 का फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और उस बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस ए का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब डेल्टा एक्स हर टर्म में हमारे पास मौजूद है वो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन जा चुका है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स बच गया है, नीचे 8 आ रहा है, 8 एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा जी, ये डेल्टा एक्स कॉमन निकल आया, स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 करें। Dividing both sides by delta x. ये cancel. Limit ले लें दोनों sides पे.
हमेशा आपने यही लिमिट लेनी है। अब ये सारी वैल्यू एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन चुकी है, डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में लिमिट लगाएं, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ये टर्म आएगी, इसमें कहीं भी डेल्टा एक्स नहीं है, सो ये एज इट इज़ आ जाएगी। और ये टर्म और इससे आगे वाली सारी टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद होगा, सो वो सारी आगे से ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये दो स्टेप्स रह गए, माइनस वन बाय टू, इसकी पावर वन बाय टू है, इसकी पावर वन है, होल पावर थ्री बाय टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता था, उससे भी आपको बता दूं, इसको यूं कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी, जब हम क्या करते इस वैल्यू को उठा के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते, जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं वैल्यू कोई भी, तो पावर नेगेटिव हो जाती है, इसकी पावर यहाँ पे वन बाय टू है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप इसी तरीके से आगे सारा कंटिन्यू कर लेते माइनस पावर के साथ, तो आगे से सारा एज इट इज़ हो जाना था, फिर आपने डिनोमिनेटर से बच जाना था, फ्रैक्शन की फॉर्म आपके पास नहीं आनी थी। यहाँ से आप क्या करते इंक्रीमेंट लगाने के बाद, जब y को उस साइड पे शिफ्ट करते तो ये बन चुका होता x प्लस डेल्टा x माइनस a, सॉरी प्लस a, पावर माइनस वन बाई टू है, और y की वैल्यू उधर जाके वो भी बन जाती x प्लस a पावर माइनस वन बाई टू। अब आप यहाँ से x प्लस a पावर माइनस वन बाई टू के साथ कॉमन ले लेते, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम बन जाता, उसको लगा देते, बाद में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते और वो सिंप्लीफाई हो जाता। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर लें। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करवा देती हूँ। ये 2.0, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2.2 के भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, तो ये वाला मेथड आपको वहाँ पे भी बताया जा सकता है। आज के लेक्चर में आपको 2.1 कंप्लीट करवा दिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में ऑलमोस्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होगा, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स कॉमन लेके फिर हम डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे, लिमिट लेंगे और एंड पे आंसर लिख देंगे, ठीक है जी।